Okay, so welcome. आपका नाम? Zoya. Zoya. Very nice name. जी Zoya. तो कैसी हैं आप? ठीक है आप? Relax. आप इतनी घबराई भी क्यों? पानी? Please. और जीरा कॉफी कुछ मंगवाऊं? Okay. Okay. Yes Zoya. तो आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, आप क्या करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? श्योर यस चल। मेरे बाबा बाहर होते हैं दुबई और मेरी मदर होती है घर में और हम चार बहन भाई हैं, मेरे दो बड़े भाई हैं और हम दो छोटी बहन हैं। वेरी नाइस। अच्छा मतलब कि अच्छी फैमिली हैं इक्वल। सो अपने हॉबीज़ बताएं मुझे। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। वेरी गुड। और बुक्स पढ़ने का, नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का शौक है। नॉवेल्स पढ़ने का ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ये नॉवेल्स पढ़ती हैं। स्पोर्ट्स तो यू नो वेल कि हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। ओके तो जी Zoya आप मेरे पास आई हैं, आप इतनी घबराई क्यों हैं? मुझे सबसे डर लगता है, मैं हर एक से डरती हूँ। मेरे पास से कोई गुजरता है, कोई लड़का या कोई भी, तो बहुत डर लगता है मुझे, उससे खौफ आता है, मैं एकदम से काँप जाती हूँ पूरा कि मैं उसके पास से कैसे गुजरूँगी। मैं बहुत डरती हूँ सबसे। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और उसको ये फील होता है कि वो रिलैक्स नहीं है, तो फर्स्ट मैं जो उसको चीज़ कहती हूँ, मैं कहती हूँ डीप। ओके फर्स्ट आप लंबा सांस लें, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। ओके बिल्कुल रिलैक्स। आपके और मेरे अलावा इस जगह कोई भी नहीं। आपकी मदर को मैंने बाहर इसलिए भेजा क्योंकि आप ताकि बिल्कुल रिलैक्स फील कर सकें। फर्स्ट थिंग Zoya जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी वो चीज़ ये है कि आप मुझे हर चीज़ बताएंगे। ओके आप मुझे दोस्त समझ के, मैं आपसे जो जो पूछूँगी आप मुझे बताना है। ओके फर्स्ट ये बातों में मैं आपसे भूल गई, आप स्टडी करती हैं? यस। आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं? यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। वाह माशाल्लाह। क्या स्टडी करेंगे आप? मैंने BS टेक्सटाइल में एडमिशन लिया अभी भी रिसेंटली। वाह ज़बरदस्त। तो मज़ा आ रहा है? अभी तो मतलब बस एडमिशन फॉर्म्स लेने के गई थी तो मतलब बहुत डर लगा मुझे सबसे ना, मतलब वहाँ का सारा क्राउड वगैरह देख के, वहाँ पे को है तो हर एक से डर लगता है। मैं अब तक यूनिवर्सिटी जाने का दिल ही नहीं करता, मेरा दिल करता है मैं पढ़ाई क्विट कर दूँ, लेकिन आपकी फ्रेंड्स हैं? कितने फ्रेंड्स आपके? काफ़ी फ्रेंड्स हैं लेकिन एक ही ज़्यादा क्लोज है। नाम बताएंगे आप मुझे? निम्रा। ओह निम्रा वेरी गुड। देखिए फजर आप जब अपने फ्रेंड से मिलेंगे आपको एक्साइटमेंट तो होगी, आप यूनिवर्सिटी जब ओपन होगी इस लॉकडाउन के बाद तो आपको ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट होगी कि आप अपने फ्रेंड से मिलेंगे। ठीक है लेकिन वहाँ पे डर भी लगता है ना सबसे, इसलिए जाने का दिल भी नहीं करता। Zoya इट्स नॉट अ बिग डील, हर इंसान देखता है ठीक है दूसरे इंसानों से। ठीक है आप मुझे ये बताएं आपको किस किस्म का खौफ है लोगों से? मुझे लड़कों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सिर्फ लड़कों से? हाँ मुझे खौफ आता है सबसे, मैं उनके पास जा ही नहीं सकती। सिर्फ लड़कों से नहीं, मतलब किसी गैदरिंग या पब्लिक प्लेस पे जाऊँ तो डर लगता है कि क्योंकि बैड टच न कर दे या ऐसी, मतलब बहुत मतलब मुझे महसूस होता है कि डर लगता है सबसे, पास से गुजरने से, हर एक से। मैं अगर अकेले इसी रूम में चली जाऊँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं मेरे पास कोई है, वो खौफ मेरे दिल से कभी नहीं जा सकता। इस वजह से मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन भी नहीं कर पा रही। मैं जब आपको फील हो कि आप रिलैक्स नहीं है, लंबे सांस लें आप। ठीक है आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है यू आर स्ट्रांग गर्ल। ठीक आपको डरने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट अ लूजर। देखिए हर इंसान के अंदर एक एबिलिटी होती है कि अपने मसले हल कर सके। ठीक है लेकिन चूँकि आप मेरे पास आई हैं, क्यों आई हैं? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है ठीक है इस चीज़ में, वरना आपके अंदर भी ये एबिलिटी हो सकती है। लेकिन आपको एक आपकी एक सोच है, आपका एक खौफ है, आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके रिलैक्स प्लीज, थोड़ा सा तो अब आप मुझे बताएंगे आप किस सिलसिले में मेरे पास आई हैं, थोड़ा सा मुझे बताएंगे ताकि मैं आपको उस हिसाब से आपका ट्रीट कर सकूँ, आपका नेक्स्ट सेशन जो है मैं उस हिसाब से देख सकूँ। प्लीज़ खुल के बताएं, डरना नहीं आपने। बताएं बताएं। मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हुआ था जो मैंने अभी तक किसी से भी शेयर नहीं किया। मैं मुझे डर लगता है कि कोई मतलब मेरा यकीन ही नहीं करेगा। मैं किसी पे यकीन ही नहीं करना चाहती, शायद मैं खुद ही नहीं करना चाहती। मैं थक गई हूँ सबसे, इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ कि मेरे अंदर का डर खत्म हो जाए और मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकूँ। जोया जस्ट रिलैक्स, ओके। आप मुझे बताएंगी आपके फैमिली को नहीं पता है, am I right? ओके। आपकी एज क्या थी जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ? 9। ओके, तो आपने फैमिली को आप बता रही कि नहीं बताया, राइट? देखिए आप मेरे पास आई हैं, ओके। मैं आपको इंशाल्लाह आपका एक अच्छा ट्रीटमेंट दूँगी जिसकी वजह से आपका ये खौफ जाए, ठीक है। बाकी बातें जो है हम इससे मज़ीद हम नेक्स्ट सेशन में आपसे पूछेंगे, ठीक है। अभी आपको रिलैक्स, सिर्फ रिलैक्स, ओके। मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो सकता। देखिए आप मेरे पास आए हैं, ठीक है, ये आपकी खुद की मेरे लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ओके। आप मुझ पर ट्रस्ट करें। रिलैक्स रिलैक्स। देखिए आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, इंशाल्लाह आप बेहतर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। आप मेरे पास आए हैं, आपने मुझे अपना साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट या डॉक्टर नहीं समझना, आपने मुझे अपना फ्रेंड समझना। मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ दूँगी, ठीक है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो होगी डीप ब्रीथिंग। करें आप मेरे साथ, इन आउट, ठीक है। ये आपको करना है। जब आपको फील हो कि मैं आप घबरा रही हैं, कुछ भी गैदरिंग में गई हैं या कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। देन जो सेकंड चीज़ है वो है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स, आपने मुझे बताया कि आपको नेगेटिव, एक सेकेंड इसमें मुझे, ओके, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको नेगेटिव थाट्स आते हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को करेंगी। क्या इसको करने से मेरी नेगेटिव थाट्स ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल, आप करें, आपको अच्छा फील होगा। जब आपके अंदर वो एक पॉजिटिविटी आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके इस नेगेटिव थॉट्स को कट ऑफ कर देंगे, ओके, ठीक है। आपने घर जाके ये ओके, रिलैक्स, कुछ भी नहीं है, ओके। ये आप कर सकती हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ ताकि मैं आप लोगों को ट्रीट कर सकूँ, ठीक है। आपने मुझे अपनी फ्रेंड मानना है, ठीक है, और आपने मुझसे हर बात शेयर करनी है। मैं आपकी चीज़ को आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या करना है, ओके, एज अ फ्रेंड। आपने मुझे कुछ भी और नहीं, लाइक डॉक्टर नहीं समझना, ठीक है। और आप ये करेंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। अब आप जाएं, रिलैक्स हों, यू फील बेटर, ओके। आपके लिए कुछ है मेरे पास, चॉकलेट्स, ठीक है, ओके। तो अब आप ये खाएंगे और मुझे याद करेंगे, और अपनी एक्टिविटीज़ को आपने नहीं भूलना, ओके। मैं आपको नोट पैड पर भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप बेटर फील करेंगी। आप मेरे पास आई हैं, ठीक है, तो आप इंशाल्लाह बेटर फील करेंगी और आपके अंदर बेहतरी आएगी, आप ये खुद भी महसूस करेंगी, ठीक है। वेलकम जोया, वेलकम, प्लीज हैव अ सेट। अब मेरे पास आप सेकेंड टाइम आए हैं, हाउ यू फील, कैसे फील कर रही हैं? ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ, लेकिन डर महसूस हो रहा है। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में कुछ एक्टिविटीज़ दी थी, आप मुझे बताएंगे थोड़ा कि आपने उनको अप्लाई किया, आपने उस पर आपको थोड़ा बेटर फील हुआ? जी जी बताएं। जी मैं कर रही हूँ एक्टिविटीज़, लेकिन डर अभी भी महसूस हो रहा है। जैसे कि कल मामा ने बोला चलो जोया पार्क चलते हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा था जाते हुए, मैं बहुत डर महसूस कर रही थी सबसे। आप डर महसूस कर रही थी, आप वैसे डर था आपके अंदर, बिल्कुल जैसे आप मुझे पहले बता चुकी हैं कि डर लगता है, ठीक है, लेकिन अब तो आपकी मामा भी साथ थी। मुझे फिर भी डर महसूस होता सबसे, मेरे साथ कोई हो भी फिर भी। आप अपने आप को लाइक फील करते हैं आप अनसेफ में हर चीज़, ठीक है। मैंने वो पेपर थ्री के सब कुछ अप्लाई किया है, लेकिन मुझे हास्पिटल में महसूस नहीं हुई, बल्कि मैं रात को डर जाती हूँ, मैं नाइट में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, मैं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। आप मुझे थोड़ा बताएंगे नाइट मेयर्स में आपको क्या आता है? मतलब मुझे आपको उसी इंसिडेंट के हवाले से आता है। देखिए, अभी तो हमारा ये अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि अभी आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो, तो नहीं, ये ऐसे नहीं होता। आप आहिस्ता आहिस्ता, जब मैं आपको जो चीज़ बताऊंगी, आपका ट्रीटमेंट होगा, इंशाल्लाह आप बेहतर महसूस करेंगे, ठीक है। अभी आपने बिल्कुल नहीं ये मायूस होना कि मुझे तो आराम ही नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो अभी स्टार्टिंग है हमारी, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताएं, जब आप मेरे पास आई, उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, आपके अंदर कुछ चेंज आया, आप उन डेज में आपने कुछ अलग किया हो? थोड़ा सा चेंज आया। जब मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। तो आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या आपने अपने रूम में बस? नहीं, मैं अकेली होती हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन बाहर जब अकेले रूम में जाऊँ तो डर महसूस होता है बहुत ज़्यादा। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं अपने डर पर काबू नहीं पा रही, बिल्कुल भी। मुझे वो बार बार वो इंसिडेंट याद आ रहा है मुझे। देखिए ज़ोया, अब आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे उस इंसिडेंट के हवाले से कि आपके साथ तो इंसिडेंट क्या हुआ था, अगर आप मुझे बताएं। आपने जैसे बताया आप 9 साल के, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ था थोड़ा सा। हमारा एक समिट है, मेरे माँ बाप को उस पर ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि वो हमारे यहाँ काफ़ी देर से काम वगैरह कर रहा है। दोपहर का मतलब टाइम था और मेरी मामा भी सोई हुई थी, तो मैं छोटी थी काफ़ी, तो मैं नीचे गार्डन में आई तो मुलाजिम ना खड़ा हुआ था, उसके ना हाथ पे शायद कोई चोट वगैरह लग गई थी, तो मैंने उसको बैंडेज दिया और बोला कि ये ले, आपने ये बांध ले। तो उसने बहुत अजीब नज़र से मतलब मुझे देखा, मुझे बोला आप तो बहुत प्यारे हो, आप तो बहुत अच्छे हो। उसने मुझे बैक टच करने की कोशिश की। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, इतना जानती नहीं थी इस बारे में, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता था कि इसकी अटेंशन ठीक नहीं है। मैं मतलब उस वक्त मैं इतना डर गई, इतना ज़्यादा डर गई, मुझे समझ नहीं था आ रहा मैं क्या करूँ। वो जो टाइम था वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे फेस किया। बाद में भी वो जब कभी मेरे पास से गुजरता, मुझे महसूस होता था उसकी नज़रों में कुछ तो था। मैं वो जब भी वो टाइम याद करती हूँ, मैं टूट के रह सकती हूँ। तो क्या वो समझ कि आपके घर में है? नहीं, वो चला गया होगा, बाद में पता ही नहीं वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। लेकिन मैं इस वाक्य के बाद इतना ज़्यादा डर गई थी कि हर एक से खौफ खाने लग गई। तो आप अपनी बातें घर में किससे ज़्यादा शेयर करती हैं, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से? अपनी दोस्त पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती इस मामले में। आप अपनी दोस्त पे ट्रस्ट करती हैं, क्या आपके अंदर वो हिम्मत नहीं थी बताने वाले अपनी फैमिली को क्या था? आप मुझे थोड़ा बताएंगी आपने क्यों नहीं बताया उनको? लगता है कि वो मेरी बात पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। मैं उन्हें बताऊंगी तो वो कहेंगे कि इसमें मिस्टेक आपकी है, वो मतलब मुझे ही ब्लेम करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी इस बात की वजह से मेरी फैमिली कोई भी प्रॉब्लम फेस करे। आपने जैसे मुझे बताया कि आप 9 साल की थी, आपके साथ इंसिडेंट हुआ और आपको नाइटमेयर्स आते हैं, ठीक है, इसी हवाले से आते हैं, ठीक है। तो ज़ोया, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप मुझे बता सकती हैं कि बैड टच आपने कहा था, आप मुझे बता सकती हैं कि कैसे किया? ओके ओके ओके, रिलैक्स, बता सकती हैं। ओके, रिलैक्स, हम इस क्वेश्चन को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, देखिए आपने जैसे मुझे सारा कुछ बताया, इसका हल भी है हमारे पास, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अब हम कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे। अब हमारा जो ये सेशन स्टार्ट है, इसमें हम लोग इस ट्रीटमेंट के साथ साथ हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिसका आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। आप अपने आप को बिजी कर लेंगे इस चीज़ में, ठीक है। आपने बस उस खौफ को भगा देना, ठीक है। किसी भी तरह आप वो कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो जी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ आप पे मैं अप्लाई भी कर लूँगी, कुछ आप इनको टेक्निक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कुछ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट आप ऑलरेडी डीप ब्रीथिंग करिए। ठीक है, आपको अपने आप को काम करना होगा, काम योरसेल्फ। ओके, सबसे पहले आप काम करेंगे, यू हैव टू बी स्ट्रांग, ताकि आप सब चीज़ों को जो है वो भगा सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, आपको इस सोच से निकलना है कि तब कोई नहीं था, अब आपको बचाने वाले बहुत हैं। ठीक है, अल्लाह ने करे आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आए, लेकिन आप मतलब कि आपको एक चीज़ है कि आपने नेगेटिव चीज़ों को खत्म करना है, आपको पॉजिटिव लाना है। आप ये सोचें, पॉजिटिव तरीके से सोचें कि मेरे आसपास बहुत लोग हैं, हर इंसान बुरा नहीं होता। ठीक है, बहुत इंसान जो है वो बुरे भी होते हैं, लेकिन उनके मुतरादिफ अच्छे भी होते हैं। ठीक है, जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपको लाइक आपको हेल्प करना पसंद करते हैं, आपको किसी चीज़ से बचाते हैं, लाइक मदर। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को लेकर आए होते हैं, उनकी केयर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है कि आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को जो है नेगेटिव करना है, आपको पॉजिटिव के अंदर उनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये बात आपने जहन में बिठानी है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक इंसिडेंट था, हज़ारों लोगों के साथ होते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपकी एक सोच की बात होती है। अगर आप उसको एक दिमाग में बिठा लो तो वो एक घर करती 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 वो आपकी हेल्थ पर इफेक्ट करता है, आपके माइंड पर आप जो है डैमेज करना शुरू कर देती है। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं बदला, आप मेरे पास आई हैं। ठीक है, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बट फर्स्ट मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको रिलैक्स रहना, आपको काम रहना, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं करेंगी कोशिश, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ट्राई करते रहना। अब मैं आपके साथ मैंने आपको बताया, अब हम कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ करेंगे कि आप बोर ना हो जाए मुझसे कि लो जी ये तो क्या, ये तो डॉक्टर ही बन गई है। हम दूसरी एक्टिविटीज़ करेंगे और आपको इसमें क्या करना होगा, आपको एनालिसिस करना होगा अपने मूड का। ठीक है, कौन सी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके मूड को स्विच ऑफ कर रही है, कि आप भाई कह रही है नहीं ये नहीं मैंने करना, ये मेरा मूड ऑफ करनी है। अगर आपके उसके मुताबिक देखें, अगर आपको किसी चीज़ का शौक है, आपको करना पसंद है, आप वो चीज़ बार बार करें ताकि वो आपकी नेगेटिव थॉट्स को लाइक ख़त्म करे। ठीक है, वो आपके नेगेटिव थॉट्स को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें। आप उस चीज़ के अंदर लाइक जो कहते हैं ना पंजाबी में खूब जाओ, वो हो जाओ आप। ठीक है, आपने उसके अंदर चले जाना, आपने लाइक उस चीज़ को करना है, दिल से करना है कि मैं कर सकती हूँ। आप क्या करना पसंद करती हैं, आप मुझे बताएं। कंटिन्यू प्लीज़। मुझे गार्डनिंग का शौक है, बहुत अच्छा शौक है। आपको पता है ना गार्डनिंग, ये प्लांट्स ट्रीज वगैरह से आपका माइंड फ्रेश होता है। ठीक है, आप जब ग्रीनरी देखते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप गार्डनिंग में आप दिल लगा लें तो ये बहुत अच्छा शौक है। अब आप मुझे बताएं, जब आपको नेगेटिव थाट्स आते हैं तो आप क्या करती हैं? मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, रात को जब सोने लगो तो दिमाग में सारी बातें घूम रही होती हैं। क्या जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको शौक है गार्डनिंग। ठीक है, अगर आपको ये नेगेटिव थॉट्स आती हैं मुसलसल आती है, मतलब कि मुसलसल ही आपको आ रही है ना, ठीक है, आप इनको नहीं मतलब कर पा रही हैं, तो इसका हल गार्डनिंग। आप गार्डनिंग करें, आपका शौक है गार्डनिंग का। अगर आप ये गार्डनिंग करना शुरू होंगे आपका माइंड फ्रेश होगा, आप वो चीज़ें आपके जो नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन से वो निकल जाएंगी। ठीक है, आप अगर गार्डनिंग ज़्यादा करेंगे तो आप इस चीज़ से खुशी भी महसूस। ऑटोमेटिकली एक बात है कि आप जब किसी ब्राइट चीज़ को देखते हैं, ग्रीनरी को देखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली खुशी महसूस होती है। ठीक है, तो आप अपना ये जो माइंड है अगर आप गार्डनिंग की तरफ ले जाए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ठीक है, तो अगर आप ये करें, बैठे रुक सकते हैं, प्रॉमिस करें कि आप इन चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसके साथ एक्टिविटी दे रही हूँ कि आपको जब ये नेगेटिव थॉट्स आए आप क्या सोचती हैं, उस टाइम आपको क्या फील होता है। आपने एक जो है वो एक नोटपैड पे लिख लेना है कि आपको क्या क्या पता चल रहा है, आप क्या उस चीज़ को महसूस करें, आपने लिखना है। ठीक है, जब आप मेरे पास नेक्स्ट आएँ तो आप मुझे बताएं कि ये चीज़ है, हम इंशाल्लाह उस चीज़ को भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, देन इंशाल्लाह जब आप उससे नेक्स्ट मेरे पास आएँ तो वो चीज़ें ख़त्म हुई हों। आप एक लाइक पहले वाली जोया आ जाए, ठीक है। ओके, आप मेरी बात को समझ गए, आई होप आप समझ गए मेरी बात को। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, आपको रिलैक्स करने, आपको काम करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो अगर आप ये चीज़ करें तो वेरी गुड, ठीक है। आपने मुझे डीप ब्रीथिंग का बताया था, उससे मतलब कम ही मतलब मैं सही हुई हूँ, लेकिन अभी भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो क्या इससे मैं ठीक हो जाऊँगी? नेगेटिव थॉट्स गारंटी के साथ कहती है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, आप मेरे पास फर्स्ट क्लाइंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, ठीक है। मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि आप कर सकते हैं, ये आप करेंगी, ये मैं आपसे करवाऊंगी, ये आप करेंगी, ठीक है। पहली चीज़, आपने मायूस नहीं होना, ठीक है। अल्लाह पे आप नहीं कीन रखना हर चीज़ पे, ठीक है। आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूस जो हो गया ना इंसान, तो फिर तो हो गया, ठीक है। इस मायूसी को ख़त्म करना है आपने, अल्लाह पे यकीन रखना, उसके बाद आपने मुझ पर रखना है, ठीक है। मैं आपकी सब चीज़ें करूँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो जो मैंने बताया सिर्फ आपने वो करना है, सिर्फ ये आप देख रहे हैं, इसमें फन भी है, ठीक है, गार्डनिंग और ये इंजॉयमेंट भी है। अगर आप ये करेंगी तो आप बेटर फील करेंगी। आप जैसे देखें, आप दूसरे डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो क्या माहौल होता है, पेशेंट्स होते हैं, आपको एक चीज़ आपके माइंड में थी, क्या ये जी आप मेरे पास आई हैं, ये माहौल ऐसा है, इन्वायरमेंट ऐसा है, इसमें आपको रिलैक्स रखा जा रहा है, ठीक है। आप हर चीज़ जो है वो खुल के हमारे साथ शेयर कर सकेंगे, ठीक है। बस ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगे, बिल्कुल। अभी भी आप ठीक हैं, लेकिन आपके अंदर वो जो मायूसी है उसको ख़त्म करना है। हमारा मेन टारगेट है कि जो खौफ है इसको भगाना है, ठीक है, आप करें, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात इंशाल्लाह होगी हमारे थर्ड सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आपने इन चीज़ों को नहीं भूलना जो मैंने आपको बताया, ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। How are you, Zoya? Now I'm fine. पहले से बेहतर? Very good. तो अब आपको कुछ चेंजिंग आपको फील हुई कि मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, या पहले दो सेशन से? हाँ, मैं पहले से बेहतर है। तो अब आप मुझे आज आती हैं, लेकिन उस लिहाज से नहीं आती, पहले से बहुत ज़्यादा कवर कर लिया मैंने। तो इसका मतलब आपने ये बहुत अच्छा ट्राई किया कि आप इसको कम वक्त में जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तब आप मुझे थोड़ा बताएं कि आप लाइक कुछ एक्टिविटीज़ में आप करती हैं या? मैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गई हूँ। अब मैं टाइम अपनी फैमिली को भी देती हूँ, अब मैं बाहर भी मतलब बिना डरे जाती हूँ, लगता है डर लगता है, मैं ये नहीं कहती अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं हर एक के साथ अपने नॉर्मल रूटीन में वापस, लेकिन जैसे आपको पहले, आप मेरे पास पहले दो सेशन में आई तो आप काफ़ी डरी भी रहती थी, अब आप, मैं आपको खुद से देख रही हूँ, अब आपको मैं रिज्यूम कर सकती हूँ कि नहीं, अब आप बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको कुछ, आप जब मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव थाट्स आए तो आपने कुछ लिखना है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या नोट पैड पर लिखा? मैं अपना लिख के रहता हूँ, ओके। मैंने देखा आपने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया पहले से, ठीक है, ओके ओके। अब आप मुझे ये पहले बताएं कि आपको अभी भी, आपने कहा मैं बेटर हूँ, लेकिन अभी आप उस तरह अपने डर को खत्म नहीं कर पाए, तो आप मुझे थोड़ा सा और बताएंगी कि मुझे डर लगता है, मैं जब मतलब जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैंने बाहर जाना स्टार्ट किया है, तो मैं मतलब जाती हूँ तो मुझे मतलब ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, जैसा पहले हुआ है वो हो सकता है, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आती हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं ना आने दूँ, मैं डीप ब्रीथिंग करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स करती हूँ, मैं कहती हूँ ऐसा नहीं होना, नहीं होगा। ये आपने बहुत कोशिश की, मैं खुद भी देखी हूँ, ठीक है, स्ट्रगल आपने काफ़ी ज़्यादा किया, तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट मज़ीद आएगी, ठीक है। तो आपको अभी भी डर लगता है, ठीक है, तो एक मिनट करो, ठीक है, आपने जैसे मुझे बताया। तो आप मुझे अब ये पहले बताएं कि जब आपको इस तरह फील होता है, आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप क्या उस वक्त फील कर रहे हो, महसूस क्या कर रही होती हैं आप? मुझे ऐसा महसूस होता है कि फिर से कोई बैड टच करेगा या कोई मतलब पहले वाला इंसिडेंट आपके साथ अब भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने आपको बार बार कहा कि नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने के लिए आपको अपने अंदर पहले पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखें, आप ये सोचती हैं कि मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो सकता है, अगर आप उसकी जगह अगर हम इसको रिप्लेस करें, इस चीज़ को निकालें और हम ये चीज़ देखें कि अब वो चीज़ नहीं होगी। आपके साथ पास और लोग हैं, आपकी फैमिली है, आप तब जब आपके साथ इंसिडेंट हुआ आप 9 ईयर्स की थी, आप छोटी थी, आपको नहीं पता था किसी चीज़ की, आपको अवेयरनेस नहीं थी, अब आपको पता है, अब आप इस माशरे में रहते हैं, आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसकी कोई ये चीज़ें है, ठीक है। अब आप स्ट्रांग हैं, ठीक है, आप लूजर नहीं हैं, आप स्ट्रांग हैं। तब आप थी वीक, अब आपको पता है कि क्या करना है, अब आप माशाल्लाह से अक्लमंद हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आप इस चीज़ को कम करें, ख़त्म करने की कोशिश करें नेगेटिव थॉट को। अगर आप इसकी जगह सोचें पॉजिटिविटी, तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है, आपके माइंड के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। क्योंकि जब नेगेटिव चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाती है, आपके माइंड के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो लाइक बिल्कुल डाउन कर देती है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपके जहन में वो चीज़ रह रही है कि नहीं जी मैं कैसे करूँगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को आप आज से लाइक तहिया कर लें कि नेगेटिविटी को मैंने ख़त्म करना है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों को मैं लेकर आऊँगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ये कोशिश करेंगी, स्ट्रगल करेंगी, तो क्यों नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आप आई हैं माशाल्लाह, बिल्कुल आप मुझे बहुत बेहतर लग रही हैं। आप जो कह रही हैं मुझे डर नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि नहीं जी ये जोया तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आप जब मेरे पास आएंगी तो मैं आपको बिल्कुल लाइक परफेक्ट जोया देखती हूँ, ठीक है। आपको मैं पहले तो नहीं देखा था, लेकिन लाइक मैंने माइंड में एक स्केच बनाया कि जी मुझे जोया वैसी चाहिए, ठीक है। तो अब आपकी चीज़ें जो हैं लाइक कोशिश नेगेटिव चीज़ों को खत्म करें, ठीक है, उसकी जगह पॉजिटिविटी लेकर आए। आप ये कहती हैं कि मेरे साथ हो सकता है, अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करें कि नहीं हो सकता, आप डरती रहें उस बात पे कि नहीं मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं ब्रेव हूँ, मैं जा सकती हूँ बाहर। कोशिश करें ना बाहर जाने की, अकेले नहीं, फैमिली के साथ जाएँ, आप थोड़ा इंजॉय करें, गैदरिंग में जाएँ, ताकि आपको थोड़े यूज हो जाओ आप कि आप एकदम बाहर जाओ तो फिर वो आपके साथ वो सफोकेशन आपको महसूस हो या लाइक कुछ भी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें, दिन आपके साथ ये चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जब आपको नाइट मेयर्स का, मैं अब आपसे पूछूँगी नाइट मेयर्स का आप क्या थोड़ा नहीं, अब मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ। अब मतलब मैं सकून की नींद बोलते हैं ना, मैं ठीक हो गई हूँ, मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन कभी कभार, पहले तो 2-3 दफ़ा आपको मतलब ऐसा लगता था कि कोई है पास, लेकिन अब इतना नहीं होता है। आप 100 में से 60% या 70% हो, तो हम इसको इंशाल्लाह फुल 100% ठीक करेंगे, ठीक है, ठीक है। आप इस चीज़ में मेरे साथ हैं तो मैं आपको ठीक कर सकती हूँ, अगर आप खुद भी कोशिश करेंगे तो मेरा ये सब करना बेकार, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं तो आपको, बल्कि आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मैं आपकी नहीं करूँगी। आप मुझे अगर रिस्पॉन्स अच्छा देंगी तो ठीक है, तो ठीक है। अब ये हमारा ये सेशन भी कंप्लीट हुआ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं अब जो सेशन है थोड़ा मैं लेट रखूँगी ताकि उन टेक्निक्स को आप अप्लाई करें बार बार, अपने लाइफ में आप जाएँ, घूमें फिरें, आप वो चीज़ फिर मुझे आके बताएँ, ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आपकी इतनी लाइक टाइम में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको 2 या ऑलमोस्ट 3 वीक्स बाद में अब आपसे मिलूँगी, या 4 वीक्स भी हो सकते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट होकर अब आपने मेरे पास आना, ओके। अल्लाह हाफिज़, सी नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, वेलकम जोया, वेलकम। आज तो जी जोया मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक हो गई हूँ पहले से। कैसी हैं आप? ठीक है, देखिए आप मेरी जो है वो दोस्त ठीक हो गए हैं, तो क्यों ना मैं ठीक हूँ। लाइक आई एम सो हैप्पी कि आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो क्या फिर चेंजिंग्स आई आपकी लाइफ में? मैं बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं। मैं मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना आप 99% आप कह सकते हैं, मतलब मैं अब वैसी नहीं रही। मैंने ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया सब पे, मैं आसानी से बाहर जा सकती हूँ, और मतलब मैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं पहले जैसी थी। हाँ हाँ दीदी, मैंने आपको बताया ना कि हर इंसान के अंदर देखो आपका एक माइंड एक लाइक दरमियान की चीज़, आपकी एक साइड पे पॉजिटिविटी है एक नेगेटिविटी, ठीक है। आप सोचते हो कि लाइक हम थोड़ा उस इंसिडेंट में दोबारा वापस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आप अभी भी उसको पूरी मुकम्मल तरह से नहीं भूली होगी, ठीक है, आपको याद है, लेकिन अब आप ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सोचती हैं। लेकिन मैंने एक बात सीख ली कि मतलब पास्ट था वो गुजर गया, अपने प्रेजेंट में रहना सीखें। आप मतलब उसके बारे में सोच सोच के अपना प्रेजेंट भी एंजॉय करें, फ्यूचर का सोचें। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा जिसने मुझे खुद कहा, ठीक है, और ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। बड़े मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं लेकिन मैंने उनके अंदर ये चीज़ें देखी जो भी मैंने आपके अंदर देखी, ठीक है। मुझे काफी खुशी हो रही है। ये तो मेरी वजह से नहीं, सबसे ज्यादा ये आपकी वजह से, आपने मुझ पे बहुत मेहनत की है और आपका ज्यादा रोल है इस चीज में। आपने मुझ पे ट्रस्ट किया, आपने मेरी बात मानी। अगर आप घर में वो लेजीनेस दिखाती इन चीजों को लाइक निगलेक्ट कर देती तो क्या फायदा होता। मैं आप पे लाइक वो कर रही होती, मेहनत कर रही होती और आपको कोई पता ही ना होता। आपने खुद भी तो कोशिश की ना, इंसान की कोशिश है उसकी जो है ना वो आगे कामयाबी का जरिया बनती है, ठीक है। आपने ये चीज़ की, थैंक यू, आपका थैंक यू कि आपने लाइक मुझे फील करवाया कि मैं एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट हूँ जो लाइक समझ सकती हूँ किसी को, ठीक है। तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई है। ये इट्स माय प्लेजर कि मैंने आपसे थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन मैंने आपको जिस पहले कहा कि इंसिडेंट में थोड़ा लाना पड़ेगा, तो अब आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप उस इंसिडेंट के बारे में जब सोचती हैं आपको कैसा फील होता है। डर लगता है, मैं ये नहीं कहती कि मैं मुझे डर नहीं लगता, लगता है लेकिन काफी हद तक कम हो गया। अब आपके अंदर एबिलिटी आ गई है ना कि आप उस चीज को जो है वो एक लाइक पॉजिटिव तरीके से आप सोच सकती हो कि हुआ बस छोड़ो, अब हो गया तो हो गया। अब आप उस चीज को कन्वर्ट कर सकती हो ना पॉजिटिव थॉट में। सबसे पहली चीज़ पॉजिटिविटी है, ठीक है। अब आपने मुझे कहा कि बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको टेक्निक्स बताई, मैंने पहले 3 सेशंस में आपको बताया। अगर आप उसको अप्लाई करती रहो अपनी लाइफ में तो बिल्कुल परफेक्ट सो आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के, लेकिन इन टेक्निक्स को भी आपने जो है वो भूलना नहीं है, ठीक है। आप इसको करती रहें जब तक आपका वो खौफ बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। आपने इस चीज़ को लाइक भूलना नहीं है। आपको कोई भी अल्लाह न करे आपको कोई मसला पेश है, लेकिन कुछ भी आपको फील हो कि लाइक मैं वापस सिचुएशन में जा रही हूँ तो आपने मेरे पास आना, ठीक है। मैं आपके पास, मैं आपकी हेल्प के लिए, आपको ट्रीट करने के लिए मैं यहाँ पर, ठीक है। आपने बिना झिझक आना है, कोई हेजिटेशन नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे सेशन खत्म हुए, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख के कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपके अंदर वो चीज़ है, आपके अंदर आप अपने आप को करेज कर सकती हो कि मैं कर सकती हूँ, ये आई कैन डू इट। आपके अंदर वो एक चीज़ है कि लाइक मैं अब इन सब चीज़ों को फेस कर सकती हूँ, ठीक है। कोई भी उदाहरण हो सकता ऐसा हादसा हो, लेकिन एक अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है या मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि मेरी कोई नज़र है तो आप डर के मुकाबला करो, ठीक है। आपके अंदर वो खौफ नहीं आना चाहिए। मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग गाइड बना दिया, ठीक है। आपने वीक नहीं होना, ठीक है। तो नहीं, आप हर चीज़ को फेस कर सकती हैं ना आप, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ आ गई है। आपके अंदर पहले भी थी लेकिन आपने उसको दबाया हुआ था। आपकी एक वो सोच उस चीज़ के ऊपर बैठ गई थी कि नहीं मैं नहीं कर सकती, लेकिन अब जब आप पॉजिटिविटी को बाहर लेकर आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो एक करेज में आ रही है कि चीज़ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सेशन खत्म हुआ, मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर इंशाल्लाह। तो अगर आपको कुछ भी हो तो आप मेरे पास दोबारा आइएगा, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।